अब इस पार्ट 10 ऑफ चैप्टर लीनियर इक्वेशन के अंदर हम एक्सरसाइज के क्वेश्चंस करेंगे ऑन क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। नाउ अगेन इट्स अ वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन। उसने यहाँ पे ये बोल रहे हैं कि यूज क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड टू फाइंड सॉल्यूशन ऑफ द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन। हमें क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड यूज करना है टू सॉल्व दी टू फाइंड द आंसर फॉर दिस। अब सबसे पहले हम क्या करेंगे, A1, A2, सिंस ये जनरल फॉर्म में ऑलरेडी है, इट इज इन जनरल फॉर्म, तो हम A1, A2, B1, B2 और C1, C2 को डिफाइन कर लेते हैं। तो यहां से A1 और A2, A1 जो होता है कोएफिशिएंट होता है x का, फर्स्ट इक्वेशन का A2 कोएफिशिएंट ऑफ x इन सेकंड सेकंड क्वेश्चन, तो सेकंड लीनियर इक्वेशन। तो यहां बन गया 1 और ये बन गया 3। B1 और B2, B1 है कोएफिशिएंट ऑफ y इन फर्स्ट फर्स्ट लीनियर इक्वेशन व्हिच इज -3। B2 इज कोएफिशिएंट ऑफ y इन द सेकंड लीनियर इक्वेशन, अगेन -3। C1, C2 कॉन्स्टेंट टर्म्स, C1 इज -7 एंड C2 इज -15। C2 इज -15। अब यहां पे हम डिफाइन करेंगे x, y और z को। x, y इनके डिनोमिनेटर्स को डिफाइन, z आई एम सॉरी इट इज 1। ओके, x x के नीचे टर्म्स क्या आती हैं, a1 के छोड़ के b1 c2 माइनस b2 c1। सो b1 c2 माइनस b2 c1। y के नीचे क्या आएंगे, हम b1 b2 को हटाएंगे और c1 से स्टार्ट करेंगे, c1 a2 माइनस c2 a1। और 1 के नीचे क्या आएंगे कांस्टेंट टर्म के, उससे a कांस्टेंट टर्म को हटा के a1 b2 माइनस a2 b1। नाउ लेट्स सॉल्व दिस। x ओवर b1 c2, b1 इज -3, हम उसको ब्रैकेट में लेंगे, c2 इज -15 माइनस b2 इज -3 और c1 इज -7, ये सारे ब्रैकेट्स के अंदर हैं। एंड ओवर y, y ओवर y के अंदर क्या है, c1 a2, c1 इज -7 a2 इज 3 माइनस c2 इज -15 एंड a1 इज 1। 1 के नीचे आएंगे a1 b2, a1 इंटू b2 1 टाइम्स -3 माइनस a2 b1, a2 इज 3, 3 टाइम्स -3। नाउ लेट्स सॉल्व दिस, दिस बिकम्स x ओवर -3 एंड -15 इज +45 माइनस -3 एंड -7 इज +21। -7 -3 इज -21, माइनस माइनस इज +15। 1 ओवर -3 एंड -3 टाइम्स -3, -3 एंड -3 इज +9। तो अब इसको सॉल्व करते हैं नेक्स्ट पेज पे। एक्स ओवर दिस बिकम्स एक्स ओवर समथिंग, वाई ओवर समथिंग एंड 1 ओवर समथिंग। 45 माइनस 21 इज 24, इज 24। y के नीचे देखें, y इज -21 प्लस 15, नेगेटिव साइन आएगा क्योंकि 21 बड़ा नंबर है, 21 में से 15 जाएंगे तो हमारे पास 6 बचेगा, सो दिस बिकम्स -6। और 1 के नीचे क्या होएगा, 1 ओवर -3 प्लस 9 इज +6। तो अब यहां से हम सबसे पहले इन दोनों को यूज करेंगे, तो हमारे पास आया x ओवर 24 इज इक्वल टू 1 ओवर 6। तो x की क्या वैल्यू आई, x इज इक्वल टू 24 ओवर 6, देयरफॉर x इज इक्वल टू 4। हमारे पास x की वैल्यू आ गई।
नाउ अब हम दूसरी यूज करेंगे, अब हम इन दोनों को यूज करेंगे, फाइव और वन फोर. सो वी हैव वाई ओवर माइनस सिक्स इज इक्वल टू वन ओवर सिक्स. सॉल्व करें, वाई इज इक्वल टू माइनस सिक्स ओवर सिक्स, वाई इज इक्वल टू माइनस वन. दस वी हैव डिफाइंड द वैल्यूज ऑफ एक्स एंड वाई. हमने एक्स और वाई दोनों की वैल्यूज निकाल ली है बाय क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड. अब देखते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है इस एक्सरसाइज का. इस एक्सरसाइज का नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन टू कहता है, फॉर विच वैल्यूज ऑफ ए एंड बी डज द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस हैव एन इनफिनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस. अब यहाँ पर इंपॉर्टेंट है टू अंडरस्टैंड कि हमें ये देखना है कि कौन सी वैल्यूज ए और बी के लिए यहाँ पे इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस होंगे. अगर हम पुराना टॉपिक्स को एक बार रिकैप्चुलेट करें, हमें ये ध्यान है कि हम किसी एक मेथड से बता सकते हैं कि इस इन दोनों लीनियर इक्वेशन के कि कितने नंबर ऑफ सॉल्यूशन होंगे, या तो यूनिक होंगे या वो नो सॉल्यूशन होंगे या वहां पे इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन होंगे. ये हमने पहले पढ़ा हुआ है. तो इनफाइनाइट एक बार देखते हैं कौन सी कंडीशन सबकी होती थी, रिवाइज करते हैं. अगर हमारे पास कोएफिशिएंट्स ए वन ओवर ए टू इज नॉट इक्वल टू बी वन ओवर बी टू, तो हमारे पास यूनिक सॉल्यूशन होता था. यूनिक मतलब एक सॉल्यूशन. अगर हमारे पास ए वन ओवर ए टू बी वन ओवर बी टू के इक्वल है पर सी वन ओवर सी टू के इक्वल नहीं है, तो यहां पे उसके नो सॉल्यूशन थे, मतलब उस सिस्टम का कोई सॉल्यूशन नहीं है. और अगर ए वन ओवर ए टू इज इक्वल टू बी वन ओवर बी टू एंड दिस इज ऑल्सो इक्वल टू सी वन ओवर सी टू, तब यहां पे इनफाइनाइट सॉल्यूशंस मिलते थे. इनफाइनाइट सॉल्यूशंस मिलते हैं हमें इस केस में अगर ए वन ओवर ए टू जो है बी वन ओवर बी टू के इक्वल है और सी वन ओवर सी टू के भी इक्वल है. अब यहाँ पे इस क्वेश्चन में हमें ए और बी की वैल्यूज चाहिए ताकि हमारे पास इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस मिले, मतलब हमारे पास ये कंडीशन हो. ये वाला कंडीशन यहाँ वैलिड करता है, वैलिड होता है. अब एक बार डिफाइन करते हैं. चलिए सबसे पहले हम जो इक्वेशन है उसको एक जनरल फॉर्म में लिखेंगे. तो पहली इक्वेशन बन गई 2x प्लस 3y माइनस 7 इज इक्वल टू 0, और दूसरी इक्वेशन है a माइनस बी एक्स प्लस ए प्लस बी वाई माइनस, इसको ब्रैकेट्स में लेते हैं, 3a प्लस बी माइनस 2 इज इक्वल टू 0. Now, यहां पे डिफाइन करते हैं फॉर इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस. फॉर इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस हमारे पास कंडीशन होनी चाहिए ए वन ओवर ए टू इज इक्वल टू बी वन ओवर बी टू एंड दिस इज इक्वल टू सी वन ओवर सी टू. ये कंडीशन होनी चाहिए. तो यहाँ पे हम यहाँ पे सिंस यहाँ पे इनफिनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस हैं तो मतलब ये सेटिस्फाई करती है कंडीशन इसको. अब इसमें हम सब्सटीट्यूट कर देते हैं ए वन ए टू और बी वन बी टू की वैल्यूज एंड सी वन सी टू की वैल्यूज. सो दिस बिकम्स टू ओवर कोएफिशिएंट ए टू इज ए माइनस बी. व्हाट इज बी वन? बी वन इज 3, बी टू इज ए प्लस बी एंड सी वन इज माइनस 7 और सी टू क्या है? माइनस 3a प्लस बी माइनस 2. अब हमारे पास ये आ गया. अब हम इनकी वैल्यूज को लेकर हम फाइंड करेंगे a और b की वैल्यूज. पहले हम देखते हैं, हम इन दोनों को ले लेते हैं. लेट अस टेक दीज टू. तो हमारे पास आया, हमारे पास आया 2 ओवर a माइनस बी इज इक्वल टू 3 ओवर a प्लस बी. तो इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा? इसको सॉल्व करते हैं, 2 टाइम्स a
प्लस टू टाइम्स बी इज इक्वल टू थ्री टाइम्स ए माइनस थ्री टाइम्स बी। लेट्स टेक बी की टर्म्स यहाँ, बी प्लस थ्री बी इज इक्वल टू थ्री ए माइनस टू ए, सो फाइव बी इज इक्वल टू ए। तो हमारे पास क्या आ गया, ए की वैल्यू इन ए इज इक्वल टू फाइव बी। तो हमारे पास क्या आ गया, ए इज इक्वल टू फाइव बी। ये हमारे पास एक इक्वेशन आ गई, हमने इसको वन लिख दिया है, ए इज इक्वल टू फाइव बी। अब हम क्या करेंगे, हम बाकी दो इक्वेशन को यूज करते हैं और ए को उसके अंदर सब्सटीट्यूट कर देते हैं। सपोज मैं आई विल लेट मी टेक सेकेंड एंड द थर्ड वन। नाउ आई विल टेक थ्री ओवर ए प्लस बी इज इक्वल टू माइनस सेवन। अच्छा, माइनस और माइनस यहां पे हो गए कैंसिल, माइनस माइनस हो गए कैंसिल, सो दिस बिकम्स सेवन ओवर थ्री ए सेवन ओवर थ्री ए प्लस बी माइनस टू। सिंस अब ये नेगेटिव साइन नहीं है तो हम डायरेक्टली लिख सकते हैं ब्रैकेट्स के बिना। अब इसको सॉल्व करें, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे यहां से, सो थ्री टाइम्स थ्री ए प्लस बी माइनस टू और सेवन टाइम्स ए प्लस बी। इसको सॉल्व करते हैं, थ्री टाइम्स थ्री ए प्लस बी माइनस टू, तो हमारे पास आया थ्री टाइम्स थ्री ए, थ्री टाइम्स थ्री ए इज नाइन ए, नाइन ए थ्री टाइम थ्री ए, थ्री टाइम्स बी इज थ्री बी एंड थ्री टाइम्स माइनस टू इज सिक्स, सो प्लस थ्री बी माइनस सिक्स इज इक्वल टू सेवन ए प्लस सेवन बी। सेवन को मल्टीप्लाई करेंगे ए प्लस बी से। अब हम ए की टर्म्स को एक साथ ले लेते हैं बी की टर्म्स, और रादर कौन से टर्म को लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं और वेरिएबल को ऑन द राइट हैंड साइड, सो दिस बिकम्स नाइन ए माइनस सेवन ए प्लस थ्री बी माइनस सेवन बी एंड दिस इज इक्वल टू सिक्स। नाइन ए माइनस सेवन ए होता है टू ए, थ्री बी माइनस सेवन बी होता है माइनस फोर बी एंड दिस इज इक्वल टू सिक्स। हम यहां से टू को कॉमन ले सकते हैं, दिस बिकम्स ए माइनस टू बी। इसको सिंप्लीफाई करने के लिए, सो ए माइनस टू बी इज इक्वल टू सिक्स ओवर टू, ए माइनस टू बी इज इक्वल टू थ्री। ये आ गई हमारे पास दूसरी इक्वेशन, ये हमारे पास आ गई दूसरी इक्वेशन, हमारे पास आया ए माइनस टू बी इज इक्वल टू थ्री। और इससे पहले हमने कहा था ए इज इक्वल टू फाइव बी, तो इक्वेशन वन को सब्स्टिट्यूट कर देते हैं यहां पर। सो नाउ सब्स्टिट्यूटिंग वन इन टू, हम ए की जगह लिख दें फाइव बी, सो वी हैव फाइव बी माइनस टू बी इज इक्वल टू थ्री। तो मतलब थ्री बी की वैल्यू आ रही है थ्री, थ्री बी की वैल्यू आ रही है थ्री, सो बी की क्या वैल्यू होगी, बी विल बी इक्वल टू वन। वी गेट दैट बी इज इक्वल टू वन, और अगर बी वन है एंड हमें पता है कि ए जो है वो फाइव बी है, तो हम यहां पे सब्स्टिट्यूट कर देंगे बी की वैल्यू, ए क्या बन गया फाइव। हमारे पास आगे ए और बी दोनों की वैल्यूज, ए इज इक्वल टू फाइव और बी इज इक्वल टू वन। यहां पर हमने इनफाइनाइट नंबर्स और नंबर ऑफ सॉल्यूशंस के एक फॉर्मूला को यूज करा था जो पिछले पार्ट में हमने पढ़ा है, एंड विद दिस दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन।